हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू अर चैनल करंट अफेयर अपडेटेड दिस इज़ देवशी शवस्थी ओके और आई थिंक आप गुड इवनिंग एवरीवन सब लोग आ चुके होंगे आज का लेक्चर हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है uh, मैंने बताया था आपको टाइम हमने चेंज किया है 10 पीएम कर दिया है टाइम को क्योंकि बहुत सी कंप्लेन आई थी कि एट पी पे पर बहुत से लोग अटेंड नहीं कर पा रहे हैं ओके okay, तो अभी हम टेन पी पे वापस शिफ्ट कर रहे हैं टाइम को तो uh, चलिए सबका एक बार पॉइंट ऑफ व्यू ले लेते हैं आज आप लोग ओके okay. ये किसमें ओके okay. ओके okay. नीचे चलिए ठीक है सबसे पहले जस्ट वेट ऑन आई थिंक दो वीडियो चालू हो गए हैं प्रेजेंट सर शीतल कह रही है प्रेजेंट ओके okay. प्रजेंट प्रेजेंट एवरीवन ओके okay. प्रेजेंट है सब लोग आई थिंक सो है न चलिए स्टार्ट कर रहे हैं आज की सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं जल्दी से आ जाओ फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक जो है आ, मैंने दो मैंने सिलेबस जो चेंज हुआ था मैंने टेलीग्राम के अपने प्रीमियम ग्रुप पे मैसेज कर दिया था जो नया टाइम टेबल था उसके अकॉर्डिंग कंपनी रूल रिवोल्ट ऑफ एटीन से लेकर नाइनटीन तक की चीज़ों को हम मेनली कवर करेंगे इस लेक्चर में ओके सो आई होप आपने प्रिपरेशन की होगी सो so, कौन कौन पढ़ के आया मुझे बता दो सर टेन हो या एट आई थिंक इट्स बेटर टाइम तो रेडी हूँ अच्छी बात है प्लीज चेंट वाज राइट अट सिक्स चेक चलिए आप लोग थोड़ा सा बताइए कि कि आज आप लोग पढ़ के आएं कि नहीं फिर अपना लेक्चर स्टार्ट करेंगे ओके प्रेजेंट प्रेजेंट सब लोग ओके वेरी गुड आज के क्वेश्चन भी बड़े इंटरेस्टिंग होंगे मैं आपको बता दू आज के क्वेश्चन भी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाले हैं ओके है ना तो आप लोग पढ़ाई करके आए हो कि नहीं सर पढ़ा है पर क्या होगा पता नहीं ओके कोई बात नहीं क्या होगा पता नहीं वो तो चलिए वो तो हर हर एग्ज़ाम से पहले सबको ऐसा लगता है कोई आप पहले नहीं है सबको ऐसे लगता है कि जितना पढ़ा है तो क्या क्वेश्चन बनेंगे या नहीं बनेंगे ओके कोई दिक्कत नहीं है ओके तो चलिए स्टार्ट करते हैं उससे पहले मैं आपको बता दूं हमारे हैंड रिटेड नोट्स हैं ओके उसके बारे में डिटेल्स जो हैं हमारा व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे दिया हुआ है ओके तो so, जिसको भी हमारे नोट्स की अगर ज़रूरत हो तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं नोट्स का जो डिटेलिंग है वो आपको मिल जाएगा हम आपको प्रोवाइड कर देंगे ओके सो नोट्स के लिए लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है ओके okay. तो आप चाहें तो वहाँ से नंबर ले के व्हाट्सएप कर सकते हैं और सैम्पल भी देख सकते हैं ओके सेकेंड इम्पॉर्टेंट चीज़ हमने अपनी यू की जो प्रिलम्स टेस्ट सीरीज़ है उसको लॉन्च कर दिया है ओके ट्वेंटी फर्स्ट मार्च 2021 से स्टार्ट हो रही है टेस्ट सीरीज़ ओके okay. uh, कुछ लोग मुझसे ही पूछ रहे थे इस सर हम इस साल एग्जाम नहीं दे रहे हैं या अभी हमारा टाइम पीरियड नहीं हुआ तो क्या हमको इस एक, हमें क्या टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करनी चाहिए कि नहीं बिल्कुल ज्वाइन करनी चाहिए क्योंकि एक प्रैक्टिस हो जाती है आप टेस्ट सीरीज़ को एक साल तक की हम इससे वैलिडिटी दे रहे हैं ठीक है सो तो आप इस टेस्ट सीरीज को आप कभी भी अटैम्प्ट कर सकते हैं इट्स अपॉन यू आप कभी भी अपने अकॉर्डिंग जब आप प्रिपरेशन कर लें तब आप जाकर दे दो जरूरी नहीं ट्वेंटी मार्च को जो शेड्यूल आप उसके अकॉर्डिंग ही दो इफ यू आर प्रिपेयर देन आप टेस्ट दे सकते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है अनलिमिटेड टाइम्स दे सकते हैं ऐसा नहीं एक बार दिया उसके बाद दोबारा ही दे पा रहे हैं दोबारा भी आप दे सकते हैं ओके इसका जो इसके ये जो कॉस्ट है इसका थ्री थाउजेंड रुपीज़ है फॉर थर्टी फाइव टेस्ट बट अभी ऑफर में है फिफ्टी परसेंट ऑफ तो फिफ्टीन हंड्रेड रुपीज़ का आपको थर्टी फाइव टेस्ट मिल जाएंगे इसके स्केड्यूल कौन से दिन कौन सा टेस्ट है ओके okay, हमारे एप्लीकेशन में है सो so प्लीज़ मैं आप सबसे बोलूँगा एक बार आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें ओके okay, वहाँ पर आपको इसका स्केड्यूल पूरा स्केड्यूल मिल जाएगा मैं आपको लेक्चर्स में स्केड्यूल भी दिखाता रहूँगा टॉपिक वाइज है तो आपके लिए बड़ा हेल्पफुल होगा ओके सो so, एक बार टेस्ट सीरीज़ को ज़रूर देख लें और जो लोग टेस्ट पहले अभी एग्जाम नहीं दे रहे बाद में देंगे बट स्टिल आप इसको रख सकते हैं आप प्रैक्टिस कर सकते हैं ठीक है आपके कमिंग एग्जाम्स होंगे सेप्टेम्बर अक्टूबर में भी अगर आपको स्टेट पी वगैरह भी देंगे तो आपके लिए बड़ा हेल्पफुल होने वाला है ये ओके सो so, और जो इस बार दे रहे हैं उनके लिए तो हेल्पफुल है ही ओके सो इस टेस्ट सीरीज को सर एम में संडे लॉकडाउन लग गया है हाँ सुशानी संडे को लग गया है बात सही है आपकी ओके तो ठीक है सो आई होप आपको टेस्ट सीरीज के बारे में और डिटेल्स चाहिए तो आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं हमको नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है एप्लीकेशन को जरूर विजिट करें टेस्ट सीरीज के लिए ओके चलिए शेड्यूल भी वहीं मिल जाएगा आपको नेक्स्ट एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें एप्लीकेशन का भी लिंक जो है वो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं ओके okay? चलिए नेक्स्ट जो हमारा सिलेबस था ठीक है मैंने कल ही ग्रुप पे मेंशन कर दिया था दोनों टॉपिक जो हैं इन कंपनी रूल 1857 और पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गनाइजेशन प्रायर टू एटीन ओके और फ्रीडम स्ट्रगल अंडर मॉडरेट यहाँ तक हम पूछेंगे आपसे तो आई होप आपने पढ़ाई की होगी ये सब चीज़ें आपसे आज पूछी जाएंगी ओके okay. सर प्लीज़ स्टार्ट कर दीजिए प्लीज़ गौरव हम स्टार्ट तो कर दें बट जब उतने नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स होंगे तभी मैं स्टार्ट करूँगा Uh, श्रद्धा बता रही है ट्वेंटी फर्स्ट मार्च को डायरेक्ट रेज ऑफ सन फॉलोड इक्वेटर वेरी गुड आप uh, uh, ये सब चीज़ देख रही हैं बहुत अच्छी बात है ओके okay. ओके okay, और जो लोग नहीं आए हैं है ना उनको हम ग्रुप से भी रिमूव करेंगे तो जल्दी से जुड़ जाओ फिर मैं स्टार्ट करूं आज के लेक्चर आज के क्वेश्चन भी बड़े इंटरेस्टिंग होंगे ठीक है uh, ये मैं आपको हिंट दे देता हूं यू विल गेट लॉट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन फॉर टुडे सीरीज बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आ, बहुत सारे स्टैटिक क्वेश्चन भी हैं बट ऑफकोर्स कुछ थोड़े कन्फ्यूजिंग होते हैं वो ईजी दिखते हैं बट जब आप सॉल्व करते हो ना तो डिफिकल्ट हो जाते हैं ओके okay, सो so वो आपको भी मिलेंगे ओके okay, और कल का जो टेस्ट होने वाला है ना वो भी मैं आपको बता देता हूँ कल का जो टेस्ट होगा वो सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट जारी सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट हम नाए, अर्ली नाइनटीन सेंचुरी अलियर ट्वेंटी एट सेंचुरी नाइनटीन सेंचुरी जितने भी सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट सब पढ़ के आना और फ्रीडम स्ट्रगल अंड एक्स्ट्रीमिस्ट फेस ठीक है एक्स्ट्रीमिस्ट फेस में आपको याद रखना है दो एक्स्ट्रीमिस्ट फेस आएंगे एक तो लाल बाल पाल वाला एक्सट्रीमिस्ट फेस रहेगा और दूसरा एक्स्ट्रीमिस्ट फेस रहेगा भगत सिंह वाला दोनों ही आप पढ़ के आइएगा दोनों चीज़ें आ सकती हैं ओके और जो चीज़ें हैं फ्रीडम स्ट्रगल अंडर एक्स्ट्रीमिस्ट फेस इसमें याद रखिएगा मेनली जो है आपको नाइनटीन के बाद की ही जो हिस्ट्री है वो यहाँ पर पूछी जाएगी ओके सो so, ये चीज़ आपको याद रखनी है ओके सर आपका व्हाट्सएप स्टेटस बहुत ज़्यादा अच्छा है अनीता कह रही हैं सर ये अच्छी बात है है ना आज बहुत कम लोग आए हैं टाइम टेबल चेंज होने की से लगता है लोग ही नहीं आते हैं क्या आज जो नहीं पढ़ा वो क्लियर हो जाता है सर जो नहीं पढ़ा है वो क्लियर हो जाता है हाँ क्योंकि याद रखिएगा सीरीज इंपॉर्टेंट है सिर्फ इसलिए नहीं कि आपने प्रिपरेशन हो तो आप यहाँ क्वेश्चन बता सकते हैं कुछ सीखने को जरूर मिलेगा आपको कि क्वेश्चन किस तरह फ्रेम किए जाते हैं आपको पढ़ाई किस तरह करना है क्वेश्चन किस तरह फ्रेम किए जा सकते हैं आपके एग्ज़ाम में सो so, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ओके okay. सर so, बहुत नहीं पढ़ा है बट अटेंडिंग द क्लास वेरी गुड पूनम अटेंड करना वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ओके okay. uh, एक सेकेंड ओके सर स्टार्ट करते हैं सर प्लीज़ स्टार्ट कर रहे हैं मेरे भाई कर रहे हैं ओके okay, बस एक बार चलिए बहुत लोग आज नहीं आए हैं बट स्टार्ट द क्लास ओके पढ़ना होगा वो कभी भी टाइम में एडजस्ट कर लेगा सुरभि कह रही हैं हाँ बिल बिल्कुल सुरभि सही बात कह रहे हो आप ओके okay. जो सही टाइम पे होता है वो कभी भी आ जाता है ओके okay. चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन आपके सामने ओके फर्स्ट क्वेश्चन उससे स्टार्ट करने से पहले जो कल एक क्वेश्चन कराया था येस्टर्डे जो कल एक क्वेश्चन था उसको मैं क्लियर कर दूं करेक्शन है मैंने आपसे पूछा था जमींदारी सिस्टम जो डिफाइंड हुआ था ओके उसमें दो स्टेटमेंट थे कि अकॉर्ग टू परमेंट से वो ओनर ऑफ द लैंड होंगे रेवेन्यू कलेक्टर ऑफ द स्टेट होंगे मैंने इसका आंसर बी बता दिया था बट इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है याद रखिएगा ओनर ऑफ द लैंड और रेवेन्यू कलेक्टर दोनों ही इस जमींदाज को डिक्लेयर किया गया था ये पॉइंट था जो मुझे चेंज करना था वहाँ पर मैंने नहीं बता दिया था आपको आई थिंक मैंने बी आंसर बताया उसको आप सही कर लीजिएगा करेक्ट आंसर जो है दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी बोथ वन एंड टू ओके सो दोनों ही ऑप्शन करेक्ट हैं ओके सो ये आपको याद रखना है ये कल का करेक्शन है इसको आप प्लीज़ मार्क कर लेंगे ओके okay? चलिए बताइए स्टार्ट करें हम बहुत लोग नहीं आए हैं बस उनको हम रिमूव कर देंगे कोई बात नहीं आपको क्वेश्चन में देता हूँ ओके सर मैं सही थी ओके ठीक है चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन आप देख लीजिए यहाँ पर आपको बताना है कुछ गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं आपको बताना है 1905 से पहले कौन सी एक्टिविटीज हुई हैं पहला आईसीएस सी एस इंडियन सिविल सर्विसेज उसकी एज जो है स्टुनियन 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 स्टुनिय वो रिड्यूस कर दी गई थी लिमिट कर दी गई थी नाइनटीन ईयर तक ही आप दे सकते थे आज देखो आज थर्टी टू ईयर्स है बट पहले नाइनटीन ईयर्स तक फिक्स कर दिया गया था ग्रैंड दरबार ऑफ डेली हुआ था ओके नेक्स्ट वर्नाकुलर प्रेस एक्ट और फोर्थ आर्म्स एक्ट तो कौन कौन सी चीजें नाइनटीन से पहले हुई हैं ये आपको बताना है पहले क्वेश्चन में ओके okay. सो so, देखते हैं कौन कौन बता पाता है फर्स्ट क्वेश्चन का करेक्ट आंसर एंड डी फर्स्ट का ए है ओके मैक्सिमम स्टूडेंट्स आर ए ऑल ऑफ द अबव चलिए मुझे बता सकता है कोई ये कि ये सिविल सर्विसेज की एज 19 इयर्स आ, बहुत फेमस एक वॉइस थे उनके टाइम पर हुई थी मैं हिंट दे रहा हूँ लिट्टन या रिप्पन तो आप मुझे करेक्ट आंसर बताइए लिट्टन या रिप्पन किसके टाइम पर आई ऑफिसर की एज जो है वो नाइनटीन ईयर्स कर दी गई थी ओके वनाकुलर प्रेस एक्ट भी उन्हीं के टाइम पर आया था ग्रैंड दरबार ऑफ दिल्ली भी उन्हीं के टाइम पर आया था और आर्म्स एक्ट भी उसी वॉयस रॉय के टाइम पर आया था ऑप्शन मैंने आपको दे दिए हैं लिट्टन या रिप्पन तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइए करेक्ट आंसर क्या है लिट्टन और रिप्पन ये सारी एक्टिविटीज उनके टाइम पर हुई थी लिटन ओके वेरी गुड आदित्य कह रहे हैं लिटन लिटन क्या आप टाइम पीरियड बता सकते हो लिटन वॉइस रॉय किस टाइम पीरियड से किस टाइम पीरियड तक रहे थे ये चारों एक्टिविटी उन्हीं के टाइम पीरियड पे हुई हैं ओके सो आई एम वेटिंग रिपन नहीं है लिटन इज द करेक्ट आंसर ओके तो बताइए लिटन यस टाइम पीरियड कोई बताएगा क्या लिटन का टाइम पीरियड क्या था इफ एनी बडी कैन टेल मी लिटन का टाइम पीरियड कब से कब तक uh, नहीं नहीं लिटन का टाइम पीरियड ये नहीं है निपुर नहीं एटीन सेवनटी रिपील uh, से रिपील्ड रिपील किया था सेवनटीन एटी सिक्स सेवनटीन एटी ओके एटी सिक्स से एट्टी बता रही है जो कि गलत है है ना चमन पाल सिंह आप गलत बता रहे हो एटीज में था यार सेवनटीन एटी क्या बता रहे हो आप एटीज नहीं हाँ वेरी गुड आ, ये है बोर्डोलोई 1876 से 1880 बोल रहे हैं वेरी गुड ओके सो याद रखना 1876 है 17 से नहीं है ओके सो करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर ए ऑल ऑफ द अब ओके ये लिटन के टाइम की, की चीजें हैं आपको पता होनी चाहिए ओके करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर वन 1851 ठीक है बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी थी और लैंड होल्डर सोसाइटी थी इसको मर्ज कर दिया गया था और एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म की गई थी यह क्वेश्चन मैंने स्पेक्ट्रम से लिया है इवन लूसेंट की बुक में भी क्वेश्चन मैंशन है ओके okay. तो आपको बताना कौन सी किसको मर्ज करके क्या बना था ऑप्शन uh, आपके सामने हैं जमींदारी एसोसिएशन ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन ईस्ट इंडिया एसोसिएशन ठीक है बांगा भाष का याद रखिएगा प्रकाशिका सभा है ना तो मुझे बताइए करेक्ट आंसर क्या है सेकेंड uh, क्वेश्चन आपके सामने है ठीक है चार ऑप्शन आपके सामने हैं कंबाइन कराया है था इसलिए मैंने एक टॉपिक भी लिया था कि ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म बिफोर 1885 पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म बिफोर 1885 तो लूसेंट में अगर आप देखोगे तो वहां पर भी मेंशन है स्पेक्ट्रम में भी मेंशन है ओके तो इंपॉर्टेंट पार्ट है उसको कवर नहीं किया जाता जनरली कवर नहीं कर पाते हैं लोग आ, सब लोग सी कह रहे हैं ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन कह रहे हैं ओके जिसमें से हैं अपूर्वा हैं ओके कोयल हैं ओके okay, हैं बहुत लोग सी की ओर मूव कर रहे हैं शीतल सचदेवा है ठीक है तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी तो याद रखिएगा जो 1885 कांग्रेस से पहले जो एसोसिएशन बनी हैं उनको जरूर देख के आप रखिएगा ठीक है सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है ओके यस करेक्ट आंसर सी है ओके नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन उन्हीं इनिशियल कांग्रेस से पहले कुछ ऑर्गेनाइजेशन थी फर्स्ट स्टेटमेंट है आनंद मोहन बोस का नाम शायद सुना होगा आपने सुरेंद्र नाथ बैनर्जी ने फाउंड की थी इंडियन एसोसिएशन ऑफ ओके इंडियन एसोसिएशन ऑफ कैलकाटा इन दोनों मिलकर फॉर्म की थी सेकंड एटीन सेवन में फॉर्म किया गया था सो विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड ओके लेट्स वेट विल गिव इन द करेक्ट आंसर त्रिशांक कुमार कह रहे हैं दिल्ली दरबार 1911 में भी हुआ था ठीक है बट एट दैट टाइम वी आर टॉल ग्रैंड दिल्ली दरबार ऑफ लिट्टन ओके ठीक है कन्फ्यूजन हो सकता है ईयर मैंने मैंशन नहीं किया था तो ठीक है ठीक है एक दिल्ली दरबार नाइनटीन में भी हुआ था यस त्रिशांक सही हो आप ठीक है जब कैपिटल uh, शिफ्ट की गई थी ठीक है चलिए करेक्ट आंसर तो अपन लेकिन आप आई थिंक आप समझ रहे होंगे उस टाइम पर जब क्वीन को टाइटल दिया था लिट्टन ने बुलाया था उस टाइम पर बड़ा पॉपअप शो ऑर्गेनाइज किया था लिटन ने मैं तो उस दरबार की बात कर रहा था ओके okay? चलिए करेक्ट आंसर क्वेश्चन थर्ड बोथ स्टेटमेंट आ करेक्ट बहुत लोग आ रहे हैं प्रीति कह रही है सी है शीतल सचदेवा हैं नेहा सिंह हैं स्निग्धा रॉय हैं ओके रवि हैं अंचल हैं यस राजदीप हैं नुपुर है ओके ठीक है करेक्ट आंसर सी है दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं ये भी आपसे पूछा सकता है दैट इज़ योर इंडियन एसोसिएशन ऑफ कैलकाटा किसने फॉर्म किया था ओके okay, ये भी नाम आ सकता है ठीक है और ईयर भी आपको याद रखना है क्वेश्चन नंबर थर्ड ओके इंडियन नेशनल कांग्रेस के कुछ मैंने सेशंस लिखे हुए हैं इंपॉर्टेंट हो जाते हैं सेशन्स uh, तो इंपॉर्टेंट ही होते हैं लाहौर का सेशन है 1893 कलकत्ता का सेशन है 1886 एटी सिक्स And का सेशन है, 1906. है तीनों सेशन को किसी एक व्यक्ति ने प्रिसाइड किया था हु वाज द पर्सनालिटी ओके दादा भाई नरोजी गोपाल कृष्ण गोखले ऐड वेब या जॉर्ज यूले। ओके सो लेट मी नो मेरा सही है गुरु वेरी गुड फोर्थ का And ये अगर किसी को एक भी पता होगा तो शायद एबल टू तो आंसर बिकॉज 1885 सबको पता है डब्ल्यू सी बैनर्जी वॉज द प्रेजिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस और 1886 में सेकेंड प्रेजिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस अगर पता होगा तो ज़रूरी नहीं है कि आपको कैलकटा और लाहौर का पता हो ओके okay? नहीं भी पता हो स्टिल यू कैन गेट इन टू द आंसर ओके यस आदित्य मनु यस yes. ये फैक्चुअल क्वेश्चन था बट याद होना चाहिए अबाउट दादा भाई नरोजी द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया रिमेंबर इनको क्या कहा जाता था ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया ओके इनके बहुत हिस्ट्री है है ना है ना सर हाउ टू मैनेज ऑल द सब्जेक्ट्स अरे अभी आंसर्स दो फिर तो हम इसके बाद ये सब क्वेश्चन लेंगे ओके okay? तो करेक्ट आंसर दादा भाई नरोजी क्वेश्चन नंबर फिफ्थ दैट्स एन ईजी क्वेश्चन ओके बट कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाते हैं फर्स्ट सेशन ऑफ आई एनसी वॉज प्रिसाइडेड बाय डब्ल्यू सी बैनर्जी पहले सेशन को डब्ल्यूसी बैनर्जी ने प्रेसाइड किया था इट वाज अटेंडेड बाय टू डेलीगेट्स ओके थर्ड एओयूमे ने ऑर्गेनाइज की थी पहली कांग्रेस सेशन एओयूमे ने ऑर्गेनाइज की थी फर्स्ट कांग्रेस सेशन सो विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट है ना क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का करेक्ट आंसर देखते हैं कौन देता है ओके okay. फिफ्थ का डी दे रहे हैं ओके okay. रोहित डी दे रहे हैं स्तुति सिंह डी दे रही है नाजीन खान तनु याद रखिएगा यूपीएससी कभी कभी डायरेक्ट और इजी क्वेश्चंस भी पूछता है तो मैं उसी की आदत डलवा रहा हूँ कि कुछ इजी भी होनी चाहिए जो आप देखते ही मार्क करते हैं कुछ ट्रिकी होते हैं मिल के पेपर बनता है ऐसा नहीं होता है कि सर कुछ लोग मुझे मैसेज करते हैं सर स्टैंडर्ड बढ़ा दीजिए क्वेश्चन का देखिए स्टैंडर्ड ऐसा नहीं होता कि पूरे पेपर का स्टैंडर्ड इतना हाई रहे कट ऑफ दस बारह नंबर पर ही लटका रहे ठीक है स्टैंडर्ड इस तरह मेंटेन किया जाता है कि एक हंड्रेड टू हंड्रेड एंड टेन के बीच में कट ऑफ रहे ओके सो so इसलिए कुछ क्वेश्चन ईजी भी होते हैं कुछ डिफिकल्ट भी होते हैं जैसे कि ये ईजी की कैटेगरी में आता है वॉट आई मार्क एज ईजी क्वेश्चन और करेक्ट आंसर बट स्टिल देख सकते हैं कुछ लोग कंफ्यूज हैं इस क्वेश्चन में भी करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है दैट इज ऑल ऑफ देम आर करेक्ट ए ओ यू में ऑर्गनाइज दर्स्ट कांग्रेस सेशन रिमेंबर पहले सेक्रेटरी कोई मुझे बताएगा INC के फर्स्ट सेक्रेटरी कौन थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के फर्स्ट सेक्रेटरी कौन थे आई वांट टू नो द नेम हु वाज द फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस ओके आई एम वेटिंग हु विल गिव मी द करेक्ट आंसर हु वाज द फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफ आईएनसी है ना तो लेट्स वेट हु विल गिव मी द आंसर ठीक है डी इज द करेक्ट आंसर मैंने मना नहीं किया है डी करेक्ट है ए बी सी तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है एओ यूम ये पता होना चाहिए पहले सेक्रेटरी जो आई एनसी के तो वो A, o, U, थे वो एओ यूम थे ओके इंपॉर्टेंट है बाई चांस इतना हार्ड आए कि चालीस कट ऑफ आए तो हिस्ट्री हो जाए ओके okay. ठीक है चलिए तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी ए बी एन सी एम वॉज द फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफ आई एनसी को नहीं पता था जरूर पता होना चाहिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है हु अमंग द फॉलोइंग बिलो द गेव द इकोनॉमिक क्रिटिक्स ऑफ ब्रिटिश इंपेरियलिज्म तो ब्रिटिश इंपेरियल के इकोनॉमिक क्रिटिक्स रहे हैं यह क्वेश्चन भी यूपीएससी पूछ चुका है ऑलरेडी ओके सो आंसर देखते हैं कौन बता पाता है दत्त ओके शो वाचा दादा भाई नरोजी ऑल ऑफ द अबव तो ब्रिटिश इंपेरियलिज्म के बहुत ज्यादा क्रिटिक रहे हैं अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट आपको वेरी गुड इंटेलिजेंस एजुकेशन का गोकुल तेजपाल कॉलेज में हुआ था ये yes, सही है संस्कृत स्कूल ऑफ गोकुल तेजपाल सही है सिक्स का करेक्ट आंसर गैस रोहित कह रहे हैं सी देखिए सी नहीं है ओके okay. क्योंकि इसका करेक्ट आंसर जो है वो आदित्य यशस्वी यशस्वी राव गौरव यस रिशांक करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है जितने भी हैं ना ये सारे जो हैं वो इकोनॉमिक्स ब्रिटिश इम्पेरिज्म के क्रिटिक रहे हैं सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है

A budget could be discussed but not voted upon. A question could be asked. Okay. Official retain their majority, official, official majority were there. Or allowed supplementary question and wide discussions on the answers. So which among the following statement is correct regarding question number 7? RC economics of the book India, yes. Every human is a critic of British exploration exploitation, yes. त्रिशांक कुमार ऐसे क्वेश्चन आए तो जनरली डी लगाना चाहिए यस दिस इज द की वर्ड ऐसे क्वेश्चन आए तो डी लगाना चाहिए ओके okay. चलिए वेलबे कमीशन के बारे में बोल रही हैं अंशुला पांडे यस yes, एक क्वेश्चन आएगा इस पर मैं आपको हिंट दे रहा हूँ ठीक है चलिए सेवन्थ का बताइए करेक्ट आंसर क्या है सेवंथ uh, का फोर्थ स्टेटमेंट सबसे पहले जो डी स्टेटमेंट है फोर्थ स्टेटमेंट है क्या वो सही है ठीक है आंसर जो दे रहे हैं वो रीड कर देते हैं सुधीर सिंह कह रही सेवंथ का फोर्थ है मतलब डी है ओके okay, त्रिशांक कुमार भी डी कह रहे हैं यस डी इज द करेक्ट आंसर क्योंकि जो फोर्थ स्टेटमेंट दिया हुआ है यहां पर अलाउड सप्लीमेंट्री क्वेश्चन ये नहीं था कोई मुझे बताएगा गया सप्लीमेंट्री क्वेश्चन कब से अलाउ कर दिए गए थे कोई मुझे अगर बता पाए दिस फोर्थ पॉइंट वॉज नॉट इन इंडियन काउंसिल एक्ट एटीन दैट इज करेक्ट बट कूड यू टेल मी ये अलाउड सप्लीमेंट्री क्वेश्चन ये अलाउ किए गए थे किस एक्ट के थ्रू किए गए थे कोई बता पाए सेवन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी दैट इज ए बी एन सी आर करेक्ट ये तीनों स्टेटमेंट सही है ओके okay. uh, तो कोई मुझे बता पाए कि सप्लीमेंट्री क्वेश्चन आर नॉट अलाउड येस है ना पवन पाल सिंह सही है बट सप्लीमेंट्री क्वेश्चन कब से अलाउ किए थे किस एक्ट के थ्रू अलाउ किए गए थे कोई मुझे बता पाए एटीन yeah, थर्टीन ओके वेरी गुड 1813 आप बोल रहे हो क्या बात है मतलब 1892 में अलाउ नहीं किया एटीन थर्टी में अलाउ कर दिए गए क्या ग्रेट आंसर है रीड कर दिया अच्छा ठीक है 909 नॉट श्योर बट इट नाइनटीन हंड्रेड नाइन येस आप शोर नहीं बट आप सही हैं ओके okay, प्रशांत कुमार भी सही हैं प्रशांत गोयल भी सही हैं uh, सुर भी गलत हो आप ठीक है नाइनटीन हंड्रेड नाइन ठीक है करेक्ट आंसर नाइनटीन है और नाइनटी एंड नाइन में भी ऑफिशियल मेजोरिटी भी हट जाती शायद आपको डिटेल पता होगा चलिए भी ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहे हैं ओके तो नाइनटीन नाइन दैट इज मॉलमेंटो रिफॉर्म चलिए ठीक है सही कह रहे हैं सब लोग करेक्ट आंसर ऑप्शन फोर है ए बी एंड सी स्टेटमेंट चलिए क्वेश्चन नंबर एट में आते हैं दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट ये एक इंपॉर्टेंट एसोसिएशन फॉर्म की थी एक्चुअली ये जो एसोसिएशन है जो आपको बतानी है राजा शिव प्रसाद सिंह ऑफ बनारस एंड सर सैद अहमद खान शायद आपने नाम सुना होगा सर सैद अहमद खान का ओके okay, तो इन दोनों ने मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म की थी एक्चुअली इसलिए भी इंपॉर्टेंट क्योंकि जो आपकी आईएनसी थी ना उसके अपोज अपोजिशन में ये ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म की गई थी ये मुस्लिम लीग को सपोर्ट करती थी इवन ब्रिटिश को भी ये सपोर्ट करती थी ऑर्गेनाइजेशन ओके सो सो ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या था यूनाइटेड इंडियन पेट्रियोटिक सभा यूनाइटेड इंडियन पेट्रियाटिक एसोसिएशन ऑल इंडिया पेट्रियोटिक सभा ऑल स्टेट यूनियन इंडियन पेट्रियटिक सभा ओके सो आपको बताना है कि करेक्ट आंसर क्या है ओके okay. सारे मैंने ऐसे ऑप्शन उठाए थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओ आप ओके okay. ये इंपॉर्टेंट है कभी कभी ये भी पूछ जाए तो उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम दे दिया जाता है और पूछा जाता है किसने फॉर्म की थी दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट ओके पता होना चाहिए सब लोग करेक्ट आंसर बी क्यों लगा रहे हैं आई थिंक सब पढ़ के आए हैं वेरी गुड दिस इज द वे सब लोग बी कह रहे हैं यूपीए के नाम से लोग याद कर लेते हैं इसको

और ब्रिटिशर ब्रिटिशर्स के साथ एक तरीके से फेवर में रहती थी याद रखिएगा दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन ओके सो याद रखना है करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है ओके okay, ये एग्जाम में भी आ सकता है डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा सकता है किसने फॉर्म की थी तो सर सैयद अहमद खान तो याद रखते हैं बट राजा शिव प्रसाद सिंह ऑफ बनारस लोग भूल जाते हैं ओके okay, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को लिया एंटी कांग्रेस कह सकते हैं विद्यार्थी ब्लॉक कह रही है एंटी कांग्रेस मूवमेंट है ओके ठीक है तो समझ में आ गया आप लोग कोई क्वेश्चन समझ में आ गया तो आगे बढ़े हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए ओके आ, ये अच्छा क्वेश्चन है मैं आपको बताऊं टुडे ओनली लिस्निंग नॉट एंड गेनिंग न्यू इन्फॉर्मेशन ओके साइल दिस इज ऑल्सो वेरी गुड कि आप इंफॉर्मेशन uh, गेन करें दैट इज मोर इंपॉर्टेंट ओके तो क्या रखिएगा ये यूपीए के नाम से आप याद कर सकते हैं कि कांग्रेस का ही अपोजिशन था ओके सो तो बताइए क्या हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें आ, तो अगला क्वेश्चन मैं आपके सामने लेके आऊँ अलीगढ़ मूवमेंट सर सैद अहमद खान यस मन कौर सही है आपकी बात है ना सर सैद अहमद खान का इंपॉर्टेंट मूवेंट ये सर चलिए आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नाइन्थ ठीक है इंपॉर्टेंट है रिवोल्ट ऑफ 1857 की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ कुछ लीडर्स लिखे हुए हैं देखिए मौलवी अहमदुल्ला कुंवर सिंह ओके okay, बेगम हज़रत महल और खान बहादुर ओके okay, याद रखिएगा कभी भी रिवोल्ट ऑफ 1857 फिफ्टी सेवन पढ़िए तो आ, 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 आपको यू शुड नो कि कहाँ पर किसने रिवोल्ट किया दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ओके विद्यार्थी ब्लॉग के लव द वे सर हाउ यू आर टीचिंग थैंक यू विद्यार्थी ब्लॉग ब्लॉग फॉर अप्रिशिएटिंग अस ओके सो आपको मैच द फॉलोइंग करना है ओके आई थिंक आप समझ रहे होंगे लीडर्स लिखे हुए प्लेस लिखी हुई है जस्ट यू हैव टू मैच द फॉलोइंग दैट इज ईजी आई कुड से अगर आपको पता हो याद हो चाहिए सारे लीडर्स मुझे तो मेरा मानना है सारे लीडर्स किस एरिया से एसोसिएटेड थे वो आपको पता होना चाहिए ओके इवन यस्टरडे आई एम गोइंग थ्रू द मॉडर्न हिस्ट्री सीरीज ओके वेरी गुड विद्यार्थी आपने पुरानी सीरीज़ देखी और हमारे और भी लेक्चर्स है मॉडर्न को छोड़कर के जोग्राफी भी है पॉलिटी भी है अभी इकोनॉमिक्स भी आएगी एनवायरमेंट भी आएगी वी तो आर गोइंग तो टू टीच एवरी सब्जेक्ट्स ओके okay. uh, नाइन्थ का बी बहुत लोग मार्क कर रहे हैं ओके लेट्स चेक द बी आंसर बी मतलब uh, मौलवी अहमदुल्ला को सी भेज रहे हैं ठीक है uh, कुंवर सिंह को फैज कुंवर सिंह को कहाँ भेज रहे हो सेकेंड का uh, क्या आंसर बी लगा रहे हो ठीक है सेकेंड का ए जगदीशपुर बेगम हज़रत महल को कहाँ भेज रहे हो डी में ठीक है और खान बहादुर को कहाँ भेज रहे हो बरेली में ओके ओके सो तो बी लोगों ने करेक्ट आंसर लगाया हुआ है ठीक है सो तो बी इज़ द करेक्ट आंसर देख सकते हैं यहाँ पर मैंने कुछ सेंटर्स और कुछ पर्सन के नाम लिख दिए हैं ओके झांसी रानी लक्ष्मी बाई अभी आपने अहमदुल्ला का बता दिया है बिहार कौन से और यार किसी पी डी एफ लेक्चर्स की पी डी एफ आपको अवेलेबल हो जाएगी आपको कुछ नहीं करना है लेक्चर्स अटेंड करते वक्त उसका स्क्रीनशॉट लेना है और मुझे व्हाट्सएप या टेलीग्राम पे मैसेज करना है आई विल एड यू इन माय प्रीमियम टेलीग्राम ग्रुप फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट ओके जहां पर आपको लेक्चर्स की पी अवेलेबल हो जाएगी ओके सो करेक्ट आंसर जो है तो कट कर दें करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ओके तो याद रखिएगा बी इज द करेक्ट आंसर ओके ओके कुंह जगदीशपुर से हैं आई एम फ्रॉम हियर ओके पूनम कुमारी बहुत अच्छी बात है ओके okay? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टेंथ लॉर्ड विलियम बेंटिक का नाम सुना होगा बहुत फेमस वॉइस रहे हैं नहीं, गवर्नर जनरल रहे हैं ओके okay, तो लेट्स रीड द स्टेटमेंट फर्स्ट ये पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे लॉर्ड विलियम बेंटिक क्या पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे कि नहीं थे ओके सेकंड ही वाज थॉट टू विद रिफॉर्म ओरिएंटेड पर्सन को रिफॉर्म ओरिएंटेड पर्सन कहा जाता है बहुत से रिफॉर्म्स किए इन्होंने ओके सेकंड ही ब्रॉट अ लॉ अगेंस्ट सत्य प्रथा सत्य प्रथा के अगेंस्ट इन्होंने एक लॉ लाया था ओके सो विच अम द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग लॉर्ड विलियम बेंटिक ओके ए ऑप्शन बी सी डी जल्दी से बताइए अबाउट लॉर्ड विलियम बेंटिक इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है लॉर्ड विलियम बेंटिक ठीक है तो ये मैंने एक इजी क्वेश्चन बनाया हुआ है इसमें एटलीस्ट आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस बने ठीक है हम ऐसे क्वेश्चंस नहीं बनाते इससे आपका कॉन्फिडेंस ही खत्म हो जाए ओके ऐसे क्वेश्चंस होने चाहिए जो एग्जाम ओरिएंटेड हो आप पढ़ें और आपको बने भी टेंथ का डी बहुत लोग लगा रहे हैं ओके वेरी गुड डी लगा रहे हैं मतलब सारे ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं ओके राजा राम मोहन रॉय की बात सुनी होगी एटीन ट्वेंटी नाइन की बात पता होगी येस वेरी फेमस ठीक है तो चलो मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दे दो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया आपने कहा लॉर्ड विलियम बेंटिक थे फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन थे ओके आई वांट टू नो द आंसर द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल? ओके, सो देखते हैं सबसे पहले कौन आंसर देता है इज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल? ओके, लेट्स वेट हु विल गिव द हेल्प ऑफ राजा राम मोहन रॉय ओके फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का वेट कर रहा हूँ okay. uh, आप लोग पढ़ के आए हो अच्छी बात है ओके okay, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में अब आपको अरेंज करना है ये रिफॉर्म्स हैं ठीक है ये रिफॉर्म्स है मैं आपको बता दूँ है सिविल सर्विसेज से लेके ये तीनों जो रिफॉर्म्स है सिविल सर्विसेज से रिगार्डिंग है आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है सबसे पहले क्या हुआ उसके बाद क्या हुआ तो पता होना चाहिए पहला है सेटिंग अप ऑफ फोर्ट विलियम कॉलेज स्टैब्बलिश किया गया था कैलकाटा में ओके फिर है एक्सटेंशन कमिटी, कमिटी ओके उसके बारे में बताना है और रिड्यूसिंग द एज मैक्सिमम अप टू 19 इयर्स ओके अब आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सेट करना है ये तीनों चीजें ही सिविल सर्विसेज से रिगार्डिंग है तो ये कमिटी भी सिविल सर्विसेज से ही रिलेटेड है सो so आपको बताना है सबसे पहले क्या है उसके बाद क्या है यू हैव टू अरेंज ओके सैयद कह रहे हैं फर्स्ट वॉइस लॉर्ड कैनिंग थे वेरी गुड है ना चलिए सो इलेवेंथ का करेक्ट आंसर आपको बताना है अपूर्वा कह रही हैं बी तो so, सबसे पहले फोर्ट विलियम कॉलेज फिर एज की गई नाइनटीन और फिर एक्सटेंशन कमिटी ओके अब ए बी सी बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट आंसर आ रहे हैं अंकित बहुत बार ए लिख रहे हैं वो कह रहे हैं पहले फोर्ट विलियम कॉलेज और फिर एक्सटेंशन कमिटी फिर रिड्यूसिंग द मैक्सिमम एज टू नाइनटीन ईयर्स ओके ए पे अंकित बार बार लिखना चाह रहे हैं कि ए इज़ द आंसर पूनम भी उनका साथ दे रही हैं सुरभि साथ दे रही हैं शुभम शर्मा साथ दे रहे हैं प्रशांत गोयल साथ दे रहे हैं निशा साथ दे रही हैं तो बहुत लोग ए की ओर मूव कर रहे हैं क्योंकि ए जो है वो करेक्ट आंसर था ओके सो चलिए देख लेते हैं सबसे पहले तो ये पॉइंट आपको याद रखना है याद रखना है कि सबसे पहले फर्स्ट इंडियन टू क्वालिफाइज इंडियन सिविल सर्वेंट वो कौन थे 1863 में सत्येंद्र नाथ टैगोर ये आपको याद रखना है ठीक है उसके बाद बात करते हैं हम फोर्ट विलियम कॉलेज की तो याद रखिएगा फोर्ट विलियम कॉलेज जो न्यू रिक्रूट्स के लिए था 1806, was, ये ठीक है एटीन हंड्रेड सिक्स कॉलेज वर्स ये एटीन में इस कॉलेज को सेटअप किया गया था ओके okay, उस टाइम पर जो भारत के गवर्नर जनरल हुआ करते थे याद रखिएगा वो थे आपके लॉर्ड वेल्सली उस टाइम पर सेटअप किया गया था ठीक है कोशिश की गई थी कि अफकोर्स जो न्यू रिक्रूट्स आएंगे ट्रेनिंग यहाँ पर दी जाए बट ये डिसअप्रूव हो गया था ट्रेनिंग इंडिया में नहीं दी जाएगी ओके okay, ये या आपको याद रखना है फिर ये जो एज है ये आपने अभी बताया था नाइनटीन एटीन में एज नाइनटीन ईयर्स जो थी वो कर दी गई थी एट द टाइम ऑफ लिट्टन लॉर्ड लिट्टन ओके तो ये आता है और एक्सटेंशन कमेटी की अगर बात की जाए तो दैट इज कमेटी ऑन पब्लिक सर्विस ऑन एटीन एटी सिक्स ओके तो करेक्ट आंसर क्या हो गया यार 1886 है है ना तो सबसे पहले आ जाता है आपका दैट इज सबसे लास्ट में आ जाता है आपका रिड्यूसिंग द मैक्सिमम एज टू नाइनटीन ओके नहीं नहीं एक सेकेंड जस्ट जस्ट होल्ड ऑन है ना एटीन एटी सिक्स सेटअप बाई ड फ्रेंड ठीक है चिंसन कमेटी ऑन पब्लिक सर्विस एटीन एटी सिक्स में सेटअप हुई थी ओके सो एटेंशन सबसे लास्ट में होगा ठीक है और सेटिंग अप ऑफ फोर्ट विलियम कॉलेज सबसे वन पे होगा रिड्यूसिंग द मैक्सिम एज टू नाइनटीन दैट इज थ्री वन थ्री टू इज द करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर यार ए नहीं है बी इज द करेक्ट आंसर ओके है ना है ना तो इसमें जो है बी जो है वो करेक्ट आंसर है तो so, इसको सही करो आप लोग ठीक है बी जो है वो करेक्ट आंसर है ठीक है बी इज द करेक्ट आंसर है नॉट ए इज नॉट द करेक्ट आंसर बी है ओके सुरेंद्र नाथ क्या सत्येंद्रनाथ थे सुरेंद्रनाथ थे टाइम क्वालिफिकेशन क्या दिशा के लिए लाया सर मेरा सही था है ना so, याद रखिएगा ये आपको याद रखना है ठीक है डोट गेट कंफ्यूज विथ दिस वन दैट इज योर एज जो है रिड्यूस की थी वो तो आपको सबको पता होगा एज जो रिड्यूस की गई थी वो रिड्यूस की गई थी एट द टाइम ऑफ लॉर्ड लेटन ओके तो डोंट गेट कन्फ्यूज ओके कन्फ्यूज़ नहीं होना है यहाँ पर थोड़ा सा ऑप्शन जो थे वो यहाँ पर सॉरी सर डोंट नो द आंसर बट आई एम वॉचिंग द मॉडर्न लेक्चर्स आई एम एट नंबर सेवन वीडियो स्टिल मैनी लॉर्ड वेल्सली येस खिचड़ी पक गई सर क्वेश्चन में खिचड़ी कैसे पक गई यार लो क्लियर कर देते हैं खिचड़ी आपकी फ़ोर्ट विलियम कॉलेज 1800 में फॉर्म हुआ ठीक है इसके बारे में आपको डिटेल बता रहा था ठीक है आपको डिटेल पढ़नी हो पढ़ो नहीं पढ़नी हो मत पढ़ो फोर्ट विलियम कॉलेज रिक्रूट जो नए रिक्रूट होते हैं उनको ट्रेनिंग के लिए बनाया गया था ओके दूसरा अफकोर्स को फिर डिसअप्रूव कर देते हैं जो एडेंशन कमीशन है वो 1886 में फॉर्म हुई थी ओके और रिड्यूसिंग द मैक्सिमम एज टू तो 19 इयर्स ये किया था लॉर्ड लिट्टन ने 1878 में अब आप बताइए इसमें क्या खिचड़ी पक गई ठीक है अगर आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर सेट करना हो तो सबसे पहले वन सेट करो फिर थ्री सेट करो फिर आप टू सेट करो इसमें कौन सी बात है कोई खिचड़ी तो तब बनती है जब आपको पता ही ना हो तब खिचड़ी बनेगी बट अगर आपको क्लियर हो तो कोई खिचड़ी नहीं बनेगी ओके एलिजिबिलिटी वाह क्या बात है उस टाइम क्या मुझे एलिजिबिलिटी देखिए उस टाइम की एलिबिलिटी बहुत डिफिकल्ट हुआ करती थी आपको डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस आनी चाहिए हॉर्स राइडिंग आनी चाहिए दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टें कि आप वहाँ की एलिजिबिलिटी के लिए पढ़ो और आपको कोई एग्जाम भी नहीं देना अभी जाकर वहाँ पर कि आप अभी जाकर ब्रिटिश की सिविल सर्विसेज के एग्जाम देना है और फिर इंडिया आके रिक्रूट होना है आपको ठीक है बट स्टिल फॉर द इन्फॉर्मेशन यू कैन रीड इट्स अप टू यू है ना फादर सिविल सिस कॉन् वॉलेस ओके स आई थिंक आप समझ गए होगे ठीक है ना और कोई डाउट आगे बढ़े हम नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़े ओके okay, चलिए ठीक है तो ये याद रखना तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो था दैट इज ऑप्शन नंबर बी ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया है प्रेस इन इंडिया डेवलपमेंट ऑफ प्रेस इन इंडिया के रिगार्डिंग स्टेटमेंट है ओके सो क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए और फिर इसका आंसर हम देते हैं है ना तब तक हम कुछ लोगों को रिमूव कर दें जो लोग नहीं आते हैं क्लास तब आप लोग इसका आंसर दीजिए मुझे गायत्री नहीं आई है है ना गायत्री को रिमूव कर दिया मैंने ओके वकार नहीं आए, उनको रिमूव कर दिया है आज अमिता सिंह भी नहीं आई हैं है ना चलिए वो आती हैं डेली इसलिए तो आज उनको छोड़ देते हैं वैसे वो आई नहीं है ओके चलिए करेक्ट आंसर बताइए फिर हम बाद में लोग को रिमूव करेंगे ओके क्वेश्चन नंबर ट्वेल्थ Medcab was known a little bit of Indian Press. Indian Press Act 1935 is also known as Gagging Act. Okay. So, which among the following statement is correct? Uh, Gagging Act was Vernacular Press Act. Okay. Very good. Lord Lytton. ओके okay, ई कह रहे हैं बहुत लोग ओके वेरी गुड तो लोग कह रहे हैं सर प्रेस एक्ट 1835 थर्टी फाइव इज नॉट नोन एज गैगिंग एक्ट उसको गैगिंग एक्ट नहीं कहते देते गैगिंग एक्ट वैसे वो एक्ट होता है जो एक्चुअली रिस्ट्रिक्शंस लगाता है ठीक है गैगिंग एक्ट का मतलब मैं आपको बता रहा हूँ जो आपको याद रखिए आपने कोई लॉ बना रहे ऐसा एक्ट है जिससे आप फ्रीडम जो है वो कम हो रही है ठीक है उसको गैगिंग एक्ट कहते हैं तो एटीन थर्टी जो था वो गैगिंग एक्ट नहीं था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जैसे लोग कह रहे हैं कि कुलर प्रेस एक्ट एटीन में जो आया था लॉर्ड लिट्टन के टाइम पर ठीक है उस एक्ट को कहा गया है गैगिंग एक्ट बिकॉज इट हैज सो मैनी रिस्ट्रिक्शन में बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन थे तो एक तरीके से कहते हैं प्रेस को गैग कर लिया गया है ठीक है है ना कंट्रोल कर लिया गया है तो उसको गैगिंग एक्ट कहते थे और 1835 तो है जो मेट कैफे एक्ट है वो तो बहुत अच्छी बात है इसलिए उसको लिबरेटर ऑफ प्रेस भी कहते हैं ठीक है तो ये बहुत अच्छी चीज है है ना सो डोंट गेट कंफ्यूज सो ए इज करेक्ट बट लोग कंफ्यूज हो जाते हैं गैगिंग एक्ट नहीं पता था तो अब याद रखना वर्णाकुल प्रेस एक्ट को ही कहते हैं ओके, आई होप आपको क्लियर होगा प्रेस एक्ट रिपील हुआ था रिपन के टाइम पर और लगाया गया था लिटन के टाइम पर बेटे दोनों ही बहुत फेमस पर्सनैलिटी ऑफ वॉइस रहे हैं एक एटीन सेवेंटी सिक्स से एटीन एटी कहते हैं जो घाव दिए थे लिट्टन ने मलम लगाने का काम किया था रिपन ने ओके सो तो ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जो आपको पता होनी चाहिए ओके तो आगे बढ़ते हैं आई होप ये अब क्लियर होगा आपको है ना अगली बार आप सही जरूर करना ओके रेलवे कमीशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट कमीशन थी 1902 में और इसी की वजह से इससे जो रिकमेंडेशन दी थी उसकी वजह से एक अफकोर्स एक एक्ट भी बना था ओके So, ये जो रेले कमीशन है किससे रिलेटेड है 1902, मतलब, आप का नाम जरूर जोड़ सकते हैं इस टाइम पर ऑप्शन रवि कह रहे हैं नाइस क्वेश्चन रिपन वॉज गुड हाँ रिपन अच्छा था और रेटन बुरा था ऐसे याद कर सकते हो फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इज नोन एज रिपन अगर रिपन के बारे में पता हो आपको तो ओके चलिए क्वेश्चन नंबर थर्टीन रिगार्डिंग वेरी गुड बी कह रहे हैं है ना तो बी बहुत लोग आंसर बता रहे हैं इसका ओके दैट इज प्रोस्पेक्ट्स ऑफ यूनिवर्सिटी ओके Okay, चलिए सही आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर बी और रेलवे कमीशन की वजह से ही इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट 1904 हंड्रेड फोर वॉ ओके तो ये भी आपको याद रखना है ओके सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा यशस्वी क्या कह रहे हो इज इंटेड रिपिंग द लिबरेटर्स नहीं नहीं लि यशस्वी राव अगर आपको क्लियर नहीं है ठीक है तो मैं आपको बता देता हूँ एक्चुअली ही वॉज बेस्ट फॉर गिविंग लिबर्टी ओके लिबर्टी टू द प्रेस इसलिए लिबर्टी ऑफ प्रेस कहा जाता है उनको ओके लिबर्टी टू प्रेस आई होप अब आपको क्लियर होगा ओके okay? uh, सर दरबार नाइनटीन में हुआ था ना देखो अंकुर यादव दरबार दो टाइप के हैं अभी ये तो ने भी बोला था ओके बट वहाँ पर जो मैं ग्रैंड दरबार की बात कर रहा हूँ वो मैं लिटन के टाइप की बात कर रहा हूँ जो प्रीवियस क्वेश्चन थे ओके तो यहाँ पर मत लाओ वरना वो लोग कन्फ्यूज़ हो जाएंगे ओके okay, तो uh, थर्टीनथ का जो है दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर कन्फ्यूजन रहता है तनु इंपॉर्टेंट होना चाहिए वॉइस वॉइसरय एटलीस्ट आपको ये पता होना चाहिए कि वॉइस रॉय किस टाइम पर आया है तो आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सेट कर सकें ओके okay, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्टीन जल्दी से बताइए ये कुछ ब्रिटिश सेंटर्स दिए गए हैं दिल्ली झांसी कानपुर ओके थोड़ा सा ये ऐसा हो गया है है ना सो आ, सही है सही है थोड़ा बीच में यहाँ पे गैप देना है आपको ठीक है so, सो दिल्ली में यूजरोस झांसी में जॉन निकोलसन और कानपुर में सर यूज विलर तो आपको बताना कौन सा करेक्टली मैचड है अगर रिवोल्ट ऑफ एटीन के बारे में पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा ये लोग जाकर इन्होंने लो कंट्रोल किया था ओके है ना सो तो बताइए मुझे क्वेश्चन नंबर फोर्टीन का करेक्ट आंसर क्या है ना आई थिंक आपने पढ़ा होगा करेक्ट आंसर कौन बता रहा है फोर्टीन का सी लिख रहे हैं सब लोग थ्री ओनली कानपुर का सही है डेली का यूज रोज नहीं है तो वन कट कर दिया होगा ओके झांसी का जॉन निकोलसन नहीं लगा आप लोगों को तो आप लोग सी बताना चाह रहे हैं ऐसा है क्या ओके बहुत लोग सी बोल रहे हैं तो ये देखिए सही बात है अगर दिल्ली की बात करें निकोलसन हॉटसन है कानपुर में व्हीलर है कैम्बल है लखनऊ के हैं झांसी के तो यूज रोस बहुत फेमस पर्सनैलिटी है ओके याद रखना है आपको है ना सो याद रखिए ये पर्सनैलिटी बहुत इंपॉर्टेंट झांसी से रिगार्डिंग है ओके तो शायद आप इससे आंसर निकाल सकते थे कि ये तो गलत है थर्ड अगर गलत है तो आपके पास सिर्फ नहीं ये सॉरी यूज फर्स्ट अगर गलत है फर्स्ट गलत है तो देखिए आपके पास दो ऑप्शन बचते हैं ये तीन ऑप्शन बचते हैं ओके okay, फिर बाकी भी आपको पता होना चाहिए था ओके कि करेक्ट आंसर क्या हो सकता है ओके सो करेक्ट आंसर जो है देखिए ये आपको फैक्ट्स जो हैं ये फैक्ट्स आपको इसकी पी अवेलेबल हो जाएगी आप इस पी को रख सकते हैं और करेक्ट आंसर आप आगे मार्क कर सकते हैं ओके okay, चले नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन एटीन ठीक है इसके ऑथर कौन है इस बुक के ऑथर कौन है 1857 फिफ्टी सेवन वी डी सावरकर एस एन सेन के दत्ता या जॉन शेली आप बताइए तब तो तक मैं कुछ लोगों को रिमूव कर दूं है ना बहुत देर से रिमूव नहीं किया है ओके इस करेक्ट आंसर मुझे बताइए लोहर ये सुरेन लोहर नहीं आए हैं ओके okay. अभिषेक यादव नहीं आए हैं ओके okay, अभिषेक यादव को रिमूव कर दें दे okay, पढ़ना नहीं है आज एस एन सीन ओके करेक्ट आंसर लोग बोल रहे हैं बी एस एन सीन कह रहे हैं यस करेक्ट आंसर है एस एन सीन इज द करेक्ट आंसर देखिए कुछ लोग विडी सावरकर से कंफ्यूज होंगे वीडी सावरकर भी लगा रहे होंगे का करेक्ट आंसर नहीं करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है एस एन सेन ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं क्वेश्चन नंबर इंपॉर्टेंट है पढ़िए कुछ पॉलिटिकल एसोसिएशन है, कुछ यहाँ लीडर है आपको बताना है कौन से करेक्टली मैचड है ओके तो बताइए मुझे कौन से करेक्टली मैचड हैं तब तक मैं कुछ लोगों को रिमूव कर दू जो लोग सिर्फ पी के लिए आते हैं ओके नॉट ये टू टीच दोज वू आर नॉट सीरियस है ना जो सीरियस नहीं है उनको क्यों पढ़ाना चाहिए आप लोग मेरी इस बात से बिल्कुल ही एग्री करते होंगे है ना तब तो इसका आंसर दीजिए आप चलिए बहुत लोग को रिमूव कर दिया है ओके बाकियों को कल रिमूव करेंगे सबको अभी रिमूव नहीं करना है है ना तो करेक्ट आंसर बताइए सिक्सटीन का करेक्ट आंसर क्या है करेक्ट आंसर सिक्सटीन का विल टेलिंग मी द करेक्ट आंसर सी कह रहे हैं वन एंड थ्री सही है इंडियन लीग सही इस एसोसिएशन जो है वो गलत है ओके okay, ऐसा कह रहे हो आप ठीक है और कोई है डी भी कह रहे हैं बहुत लोग चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर ऑप्शन में बी है ठीक है बी ऑप्शन देख लो आप क्या है दैट इज टू एंड थ्री जो है वो करेक्ट है है ना बाकी फर्स्ट रॉन्ग है देखिए ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की बात करें दादा भाई नरोजी ने 1866 में लंदन में फॉर्म की थी ठीक है तो ये ईस्ट इंडिया एसोसिएशन है दादा भाई नरोजी करेक्ट है सेकंड करेक्ट है इसका मतलब ए बी डी हो सकता है इंडियन लीग की बात करें इंडियन लीग स्टार्टेड की थी एटीन में शिशिर कुमार घोष ने, ने स्टार्ट की थी ओके सो अगेन दिस इज ऑल्सो करेक्ट फर्स्ट जो है यार रखिए रॉन्ग है बिकॉज जो राजा राम मोहन रॉय के एसोसिएट्स थे उन्होंने स्टार्ट की थी ओके इट इज नॉट स्टार्टेड बाय होम

अगर प्लीज़ आप स्पेक्ट्रम या कोई भी बुक या लूसेंट वगैरह कुछ भी पढ़ोगे ना सो so, आपको मिल जाएगा एटीन से पहले ही कुछ पॉलिटिकल एसोसिएशन है उनके नाम उनके लीडर्स कौन है वो आप पढ़ लेना उससे क्वेश्चन बहुत कम आए आने के चांसेस हैं ठीक है सो इंडियन लीग अभी कुछ देर पहले ही मैंने यहाँ पर बताया था आपको देखिए इंडियन लीग और उसी के रिगार्डिंग यहाँ पर स्टेटमेंट क्वेश्चन पूछ लिया मैंने इंडियन लीग मद्रास महाजन सभा और जमींदारी एसोसिएशन आपको इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है ओके सो लेट्स अरेंज देम ओके ट्राई टू अरेंज देम अगर नहीं अरेंज हो रही बट स्टिल यू कैन ट्राई टू अरेंज देम ओके Uh, 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 क्या कहते हैं आदित्य कह रहे हैं सी ओके okay. अगर देखो नहीं भी पता होता है ना ऐसे क्वेश्चन की सर क्या होगा बट ये पता होगा मद्रास महाजन सभा के बारे में किसी को आइडिया होगा बहुत लेट फॉर्म हुई थी ओके okay? मतलब आईएनसी के जस्ट पहले ही फॉर्म हुई थी ये आपको पता होना चाहिए ठीक है तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है देखिए मद्रास महाजन सभा मैंने बताया ना जस्ट कांग्रेस के फॉर्म होने से पहले एटीन में फॉर्म हुई थी ओके okay? ये आपको याद रखना है ठीक है सो so, अगर देखा जाए तो एटीन मतलब जो ये है एटीन है ठीक है इंडियन लीग अभी मैंने आपको बताया कुछ देर पहले ही 1875 में शिशिर कुमार घोष की हम बात कर रहे थे तो याद रखिएगा 1884 है ना 1875 ओके okay. अब बचता बचता आपका ज़मींदारी एसोसिएशन तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ठीक है ज़मींदारी एसोसिएशन और लैंड सोसाइटी ठीक है सो एटीन की बात कर रहे हैं बहुत प्रीवियस की बात कर रहे हैं ओके okay. सो सबसे पहले अगर देखा जाए तो वन सबसे पहले आएगा देन इंडियन लीग एंड देन मद्रास महाजन सभा ओके तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है ओके एटीन एटी फोर में यस yes. मेरा सही है अच्छी बात आपका सही है तो ओके नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं क्वेश्चन नंबर एटीन ओके किसने कहा थे? था इंडियन नेशनल कांग्रेस का था फैक्ट्री ऑफ सिडिशन ठीक है कि एक फैक्ट्री ऑफ सिडिशन है ये आपको बताना है ऑप्शंस आपके सामने दिए हैं आप करेक्ट मार्क करिए ओके तब तक मैं आ, और भी कुछ लोग को रिमूव कर दूँ याद रखिएगा इफ यू आर रिमूव फ्रॉम आर ग्रुप यू कैन नॉट बी एडेड इन फ्यूचर ओके सो कोई भी आ, आप एड नहीं हो पाओगे फ्यूचर में क्योंकि अगर जो मैं लिंक सेंड करूंगा वो लिंक दोबारा एड नहीं होती है ओके सो इफ यू आर मिसिंग यू आर रिमूव फ्रॉम द ग्रुप किसने कहा था कर्जन ने कहा था नहीं नहीं कर्जन ने नहीं कहा था दीपाली कह रही है ए डफरिन ने कहा था यस ये बता सकता कोई मुझे कांग्रेस जब फॉर्म हुई थी 1885 में हु वॉज द वॉइस रॉय एट दैट टाइम वन कांग्रेस वॉज फॉर्म इन एटीन एटी फाइव हु वॉज द वॉइस वॉयस एट दैट टाइम ओके कैन यू टेल मी हु वॉज़ द वॉइस रॉय एट दैट टाइम येस यस, वॉज अ वॉइस एट दैट टाइम कोई मुझे बता दे, तो फिर हम आगे मूव करते हुज अ वॉयस वेन आई एन सी वॉज फॉर्म इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज लॉर्ड डफरेंट ओके करेक्ट तो यही पूछने का तरीका भी यही था मैं एक्चुअली आंसर बुलवाना चाह रहा था करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है दैट इज़ लॉर्ड डफरेंट ओके सो में लॉर्ड डफरेंट नहीं कहा था कि ये जो है फैक्ट्री ऑफ सीडिश है ठीक है उसी के टाइम पे कांग्रेस फॉर्म हुई है वही कांग्रेस को ऐसा कह रहा है ओके चलिए ये कुछ इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं जैसे कि लिखी हुई है हैदराबाद है अवध और बंगाल ओके और उसके बगल में हैदराबाद के बगल में लिखा है निज़ामुल मुल्क अवध के बगल में लिखा है मुर्शिद कुली खान और बंगाल के बगल में लिखा है सादत खान ओके आपको बताना है कौन से फाउंडर हैं ओके करेक्टली मैचड हैं ठीक है हैदराबाद है निज़ाम मुल्क लिखा हुआ अवध मुर्शद कुली खान और बंगाल का लिखा हुआ है सो करेक्ट बताइए कौन सा करेक्टली मैचड है ओके okay. आशी व्यास बता रही वारी डफिन कब से कब तक थे दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट ओके सो नाइनटीन का करेक्ट आंसर जो है वेरी गुड जिन्होंने ए दिया है वो सही है क्योंकि तो जो निज़ाम मुल्क है ना यस ही वॉज अ फाउंडर ऑफ हैदराबाद बट ये दोनों मैंने इंटरचेंज कर दिया सादत खान फाउंडेड अवध है ना एंड कुली खान फाउंडेड बेंगाल रिमेंबर ठीक है so सो ये मैंने इंटरचेंज कर दिया था ओके okay. सो so जो लोग इंटरचेंज में फंस गए वो याद रखिएगा इट वॉज इंटरचेंज फर्स्ट करेक्ट स्टेटमेंट ओके ये आपको याद रखना है इंटरचेंज फॉर बंगाल एंड अवध यस आदित्य ने पकड़ लिया है कि बिल्कुल आपने सर में बस थोड़ा सा चेंज कर दिया है और क्वेश्चन ईजी है बट स्टिल लॉट्स ऑफ पीपल गॉट ओके करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है क्योंकि ये दोनों इंटरचेंज है अगर आपसे कोई पूछे ठीक है सो तो अवध का सादत खान बताना बंगाल का कुली खान ओके okay, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी भगवत गीता इंटू इंग्लिश किसने भगवत गीता को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था दीज टाइप्स ऑफ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट एग्जाम में कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं ओके विच आर वेरी फैक्चुअल बट पूछे जाते हैं ओके okay? तो बताइए करेक्ट आंसर आई एम वेटिंग लेट्स वेट हु गिव मी द करेक्ट आंसर याद रखिएगा अगर आपको लेक्चर्स की पी डी एफ चाहिए जो लोग डेली लेक्चर्स को देख रहे हैं प्रेजेंट हैं उनको हम पी डी एफ जरूर प्रोवाइड करेंगे आपको कुछ नहीं करना है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है आप व्हाट्सएप या टेलीग्राम नंबर पे हमें व्हाट्सएप या टेलीग्राम कर पे ये क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट सेंड कर, कर दीजिए हम आपको अपने ग्रुप पे फ्री ऑफ कॉस्ट ऐड कर लेंगे ओके ऑप्शन नंबर बी पे बहुत लोग जा रहे हैं ओके वेरी गुड है ना चार्ल्स विल्किंग्स पे जा रहे हैं यस अर्लियस्ट ट्रांसलेशन ऑफ द वर्क फ्रॉम वर्क फ्रॉम संस्कृत इन टू इंग्लिश मेड अराउंडीन एटी फाइव याद रखिएगा काज विकलिंग्स ने किया था ओके okay. और भगवत गीता का नाम होता था सॉन्ग ऑफ द लॉर्ड ओके सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी था डायरेक्ट क्वेश्चन है वो बहुत बार एग्जाम में आ चुका है ओके चलिए स्पॉय म्यूटनी एंड द रिबिलजन ऑफ 1857 ठीक है बड़ी अच्छी बुक uh, लिख दी मैंने द स्पॉय म्यूटनी एंड द रिबिलजन ऑफ एटीन ठीक है ये किसने लिखी है ओके सो लेट्स गेट इन टू दटिंग क्वेश्चन ऑल्सो ओके क्योंकि स्टार्टिंग क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बहुत गलत हो जाते हैं कभी आ जाते हैं तो सो so, लेट्स ट अगर आपको नहीं पता है अभी मैंने एस एन सेन की बताई थी 1857 ओके अब ए बी सी ज्यादा चांसेस हैं सही होने के तो लेट्स वेट हु विल गिव मी द करेक्ट आंसर रिगार्डिंग क्वेश्चन नंबर 21 ओके आदित्य कह रहे हैं दैट इज आर सी मजूमदार ओके राजदीप सी कह रहे हैं नेहा सिंह सी कह रही आदित्य अग्रवाल सी कह रहे हैं ठीक है सी कह रहे हैं बहुत लोग सी की ओर मूव कर रहे हैं यस

तो ये पता होना चाहिए एलबर्ट बिल कॉन्ट्रोवर्सी बहुत ईजी क्वेश्चन माना जाता है बट ये आ चुका है एग्जाम में सो so, मेरे ख्याल से इसमें ज्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है बहुत लोग क्वेश्चन देख के ही आंसर बता देंगे जिन्होंने थोड़ा सा भी रेपन के बारे में पढ़ा होगा दे नो अबाउट एल्बर्ट बिल कॉन्ट्रोवर्सी ओके okay, सो so, ज्यादा दिमाग लेंगे ट्वेंटी का करेक्ट आंसर क्या है सी uh, बोला है सुशांत चौहान ने ओके रिमूवल ऑफ डिसक्वालिफिकेशन इम्पोज ऑन द इंडियन मजिस्ट्रेट विद रिगार्ड टू द ट्रायल ऑफ यूरोपियंस ओके बाकी मैंने एल्बर्ट बिल कॉन्ट्रोवर्सी क्या होती है डिटेल में ऑलरेडी अपने लेक्चर्स में पढ़ा रखा है दिस इज वेरी फेमस एट द टाइम ऑफ लॉर्ड रिपन ओके सो येस विजय मेहरा सी कह रहे हैं है ना शीतल सचदेवा सी कह रही है, चुका है बट याद रखिएगा बिल कोई मुझे ईयर बताना चाहेगा ये कॉन्ट्रोवर्सी कब हुई थी एल्बर्ट बिल कॉन्ट्रोवर्सी रिपर के टाइम पर हुई थी कोई ईयर बता सकता है ये किस ईयर में हुई थी अप्रोक्सीमेटली ईयर अगर आप बता सके ठीक है रिलेटेड टू जज तनुम मुल्तानी कह रही है सी है बट अगर ईयर आप अप्रोक्सीमेटली भी गेस कर कोई याद करने की जरूरत नहीं बट याद रखना जिकल ऑर्डर में अरेंज करने को आ सकता है ओके है ना आप लोग तो मेंशन कर सकते हैं देख ही लगा देना चाहिए दिस इज वे कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट लगाना चाहिए क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी ओके हम बात कर रहे हैं ये भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है परपस पूछा जा रहा है सर विलियन विलियम याद रखिएगा वेडरबर्न एंड डब्ल्यू एस टेन है इंडियन पार्लियामेंट्री कमेटी थ्री ये कमेटी सेटअप की गई थी एक्चुअली ये कमेटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है मैं आपको हिंट दे रहा हूं चलिए हिंट नहीं देता पहले आप क्वेश्चन देख लीजिए है ना कि टू एजीटीट फॉर इंडियन पॉलिटिकल रिफॉर्म्स इन हाउस ऑफ कॉमन टू कैंपेन फर द एंट्री ऑफ इंडियन इंपीरियल जुडिश्ररी टू फेसिलिटेट डिस्कशन ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस इन द ब्रिटिश पार्लियमेंट टू एजीट टू द एंट्री ऑफ इमिनेंट इंडियन टू द ब्रिटिश पार्लमें एक्चुअल ये दोनों पर्सनिटी जो है दे आर वेरी फेवर मतलब इंडिया प्रो थे कह सकते प्रो इंडियंस ओके okay? इंडिया के फेवर की बातें करते हैं तो उन्होंने इंडियन पार्लमेंट्री कमेटी सेटअप की थी एटीन नाइनटी थ्री में उसका पर्पस क्या था ओके सो दिस इज अंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कशन ऑफ इंडियन नहीं ये नहीं था कह रहे हैं डी डी नहीं ब्रिटिश पार्लियामेंट में इंडियंस को एंट्री क्या कराएंगे मोनिका कह रही है ए सैयद कह रहे हैं ए आई डोंट नो दिस कोई बात ही नहीं पता कोई दिक्कत नहीं है ठीक है करेक्ट आंसर इट्स ऑप्शन नंबर ए याद रखिए टू एजुटेट फॉर इंडियन पॉलिटिकल रिफॉर्म्स इन द हाउस ऑफ कॉमन्स ठीक है तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है वेटबर्न हैड एंटर्ड इन टू द पार्लियामेंट एज ए लिबरल में थ्री एंड सॉट टू वॉइस इंडियन ग्रवियांस विद इन द हाउस तो याद रखिएगा इंडिया की जो प्रॉब्लम्स रहती थी उसको हाउस में रखने का काम बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे थे ओके सो इंडियन पॉलिटिकल रिफॉर्म्स की बात कर रहे थे कि वहां पर हो इंडिया के जो इस टाइम पर इंडिया आजाद नहीं हुई थी आपको पता एटीन नाइन्टी थ्री की बात कर रहा हूँ तो बहुत प्रो इंडियन थे तो याद रखिएगा ये भी आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर ओके चलिए क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर्थ में आते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ ट्वेंटी फोर्थ क्वीन विक्टोरिया प्रोक्लेमेशन एटीन फिफ्टी एट पता होगा आपको ईस्ट इंडिया कंपनी को चलिए अभी नहीं बताते हैं मेरा आंसर आ जाएगा पहला है कि टू डिस्क्लेम एनी इंटेंशन टू एनेक्स्ट इंडियन स्टेट ओके टू प्लेस द इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द ब्रिटिश क्राउन

आपको लगता है ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ रेगुलेट करना था कि ईस्ट इंडिया कंपनी खत्म हो गई थी मेरे भाई 1857 के रिवोल्ट के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी जो है ठीक है वो खत्म हो गई थी कोई रेगुलेशन की बात ही नहीं है इट एबॉलिश ईस्ट इंडिया कंपनी फ्रॉम इंडिया ओके तो थर्ड स्टेटमेंट तो रॉन्ग है ओके तो थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग है और आप first, second, 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 तो आपके अगर फर्स्ट सेकेंड सही है तो करेक्ट आंसर आपके अकॉर्डिंग ए होना चाहिए वन एंड टू नॉट बी भी नहीं होना चाहिए अफकोर्स टू डिस्क्लेम एनी इंटेंशन टू ए नेक्स्ट इंडियन स्टेट्स इंडियन स्टेट्स को एनेक्स नहीं करेंगे ओके ये वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव था ओके सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए ओके इट्स नॉट बी एंड इट्स नॉट डी ठीक है तो इसी ने कंपनी तो अबॉलिश ही होगी आई होप आपका क्वेश्चन समझ में आ गया है बताइए समझ में आ गया तो हम आगे बढ़ते हैं ऑफकोर्स उन्होंने डिस्क्लेम किया था कि हमारा कोई इंटेंशन नहीं है कि वो इंडियन स्टेट्स को एनेक्स करेंगे ओके इस ऑब्जेक्टिव में क्लियरली बोला गया था क्योंकि उससे पहले आपको पता होगा है ना लॉर्ड डलहौजी थे जिन्होंने डॉक्टर ऑफ लैप्स लाया था ओके okay. सो so एक बड़ा उसी टाइम की बात है डॉक्टर ऑफ़ लैप्स था तो so उन्होंने बिल्कुल क्लियर बोला कि वी आर नॉट गोइंग टू एनेक्स एनी ऑफ द इंडियन स्टेट्स तो आई होप आपको ये क्वेश्चन का जो इंटेंशन है वो समझ में आ रहा होगा लॉर्ड डलहौजी का नाम आपने जरूर सुना होगा एटीन से एटीन तक वो देश के गवर्नर जनरल रहे हैं ओके सो दिस इज़ इंपॉर्टेंट हाँ आफ्टर डलहौजी जल्द ही दिल्ली कान गलत हो गया रवि कह रहे हैं हाँ जल्दबाजी नहीं करनी ये सर अंडरस्टूड ओके ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर यूपीएससी का क्वेश्चन है मैं आपको बता दूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया था ओके मैं कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी लेता रहता हूँ इसमें आपको आइडिया भी लगता रहे कि क्वेश्चन यूपीएससी किस तरह बना रहा है ओके चले नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं लास्ट क्वेश्चन जाते जाते इजी क्वेश्चन देखे जा रहा हूं मैं आपको ही ले द वुमेन हु वॉज द ओनली मैन अमंग द रेबिल्स क्या लाइन है मतलब ही वॉज

है ना गंगस्ट गवर्नर जनरल सैयद कह रहे हैं यस ट्वेंटी फोर्थ का डी तुरंत लोग मार्क कर रहे हैं यस सर यूजरोस बड़े झांसी की रानी की जिस तरह उन्होंने लड़ाई की थी उसमें बड़े प्रभावित थे यूजरोस याद रखेगा तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है ओके वेरी गुड तो यहाँ पर हमारा जो सीरीज़ था ठीक है वो कम्प्लीट होता है ओके और कल का जो कल डेट है सॉरी ये गलत लिख दिया मैंने आई थिंक ये तो कंबाइन हो गया था ठीक है ट्वेंटी एथ मार्च है ठीक है कल का आपका जो टेस्ट है वो आपको देख लेना है ठीक है कल आपको क्या पढ़ के आना है ओके दैट इज इम्पॉर्टेंट ओके और अगर आपको आज के क्वेश्चन पसंद आए हों ओके कुछ तो सीखने को ज़रूर मिला होगा हमने कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को भी कवर किया है इस बार वैसे हम हर सीरीज़ में दो तीन क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के डाल देते हैं इसमें आपको आइडिया लगता रहे कि क्वेश्चन का एरिया किस साइड से है ओके okay. सर uh, एक एक टॉपिक दीजिए फिर अच्छे से पढ़ाई जाती है पहले जैस पहले था एक्चुअली देखिए अगर क्वेश्चन हमें ज़्यादा फ्रेम करना है तो ज़्यादा टॉपिक्स होने चाहिए हमारे पास ठीक है आप सोचिए हंड्रेड क्वेश्चन पूरे सब्जेक्ट से आते हैं ओके सो यू कैन नॉट फ्रेम स्मॉल स्मॉल क्वेश्चन में छोटे छोटे क्वेश्चन जिनका कोई वैल्यू नहीं है उन क्वेश्चन को फ्रेम नहीं करना चाहता हूँ मैं क्वेश्चन सिर्फ वही फ्रेम करना चाहता हूँ तो uh, जो एग्जाम ओरिएंटेड हो दैट्स आई टेक ज्यादा टॉपिक्स जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है उनके अकॉर्डिंग ही हमने फ्रेम किया है ठीक है पढ़ना आपको है समय आपके पास नहीं है मैं हर दिन भी सीरीज चलाऊंगा तब भी हमारा सिलेबस एंड मोमेंट पे ही खत्म होगा तो जिस तरह मैं चला रहा हूँ अभी बहुत कुछ बचा है अभी एंशेंट बचा है मिडाइवल बचा है आर्ट एंड कल्चर बचा हुआ है आपका पॉलिटी तो अभी हमने कितना सारा बचा हुआ है जोग्रफी बचा हुआ है फिजिकल जोग्रफी बचा हुआ है वर्ल्ड जोग्राफी बचा हुआ है ठीक है इनवायरमेंट बचा हुआ है टेक्नोलॉजी बचा हुआ है करंट अफेयर्स बचा हुआ है तो आपको लग रहा है अगर मैं छोटे छोटे टॉपिक लूँगा तो कभी खत्म कर पाऊंगा नहीं खत्म कर पाऊंगा चांस ही नहीं है खत्म करने का मैं हर दिन भी आऊँगा तो खत्म नहीं होगा ठीक है सो so लॉजिकल तरीके से आप सोचिए दैट इज नॉट पॉसिबल ओके है ना आ, सर कल की क्लास टेन पी पे ही रहेगी येस yes, राहुल अब क्लास की टाइमिंग जो है वो हमने टेन पी कर दी है ठीक है टेन पी पे ही आप लोग आएँ ठीक है आई थिंक आप लोग फ्री हो हु जाते होंगे खाना पीना खा के वगैरह और टेन टू इलेवन जो हमारी क्लास रहेगी ओके इट वॉज़ गुड राजदीप को एम बी बी के लिए भी अच्छा लगा ओके गुड इकोनॉमिक्स टेंशन देती है सर प्लीज़ इसके बाद इकोनॉमिक्स देखो अंचल कह भी रही हैं प्लीज टेक केयर टेक क्लास ऑफ सी सैट सर so, बहुत सारे टॉपिक्स वीक हैं हाँ तनु कृष्णा वीक हैं uh, इसीलिए हम टॉपिक्स को ले रहे हैं ओके okay. और बहुत सारा है सिलेबस ठीक है उसको जल्द से जल्द खत्म करने के लिए मान के चलिए बीच में गैप भी होंगे ओके कंटिन्यूस क्लासेस भी नहीं होंगी टुडे फॉर मी बट गॉट मोर नॉलेज ओके थैंक यू बिकॉज ऑफ दिस इज़ आई एम स्टडिंग डेली हाँ देखिए ये एक सबसे खास uh, ये सीरीज़ का जो एजेंडा है ठीक है वो ये है कि आप लोग एटलीस्ट इसके चक्कर में पढ़ रहे हो ठीक है एक फ्लो बन रहा है कि चलो ठीक है आज क्वेश्चन देख के आना है ओके okay. तो जो सीरियस स्टूडेंट्स होंगे उस चक्कर में पढ़ेंगे तो so, ये एक एडवांटेज है सीरीज का ओके okay. सो so, uh, नहीं तो डिनर करना होता है इकोनॉमिक्स ये इकनॉमिक्स इज ऑल्सो गोइंग टू भी वेरी डिफिकल्ट आदित्य ओके इसलिए मैंने कहा बहुत बड़ा सिलेबस है हम ज़्यादा ज़्यादा टॉपिक्स करेंगे तो अब ज़्यादा ज़्यादा पढ़ के आओगे तो आपके लिए हेल्पफुल होगा ओके सो लेक्चर पसंद आए होंगे तो प्लीज़ एज अ डोनेशन आपको डोनेट करना चाहते हो तो लेक्चर को प्लीज़ शेयर कर दें अपने ग्रुप्स में अगर आप कोई स्टडी ग्रुप में है तो वहाँ पर डाल दें हो सकता है हमारे लिए भी हेल्पफुल हो ओके okay, uh, सर आप एट पी एम पे फ्री नहीं है क्या नहीं मैं फ्री हूँ अभिषेक बट uh, बहुत से लोग हैं जो एट पी पे नहीं आए थे इसलिए मैं टेंड कर दिया है ना वैसे भी लॉकडाउन लग गया है या नाइट कर्फ्यू रहता है रात को सबको घर में ही आना पड़ेगा अब ठीक है क्योंकि बहुत सारी सिटीज़ में नाइट कर्फ्यू लग गया है सो so, मैक्सिमम लोग रात में तो घर ही आ जाएंगे कोई ऑप्शन नहीं रहेगा आपके पास अगर आप बाहर भी होगे तो ओके सो so, इसलिए मैं टेंड किया है पूनम शर्मा कहने इकोनॉमिक्स इसके बाद ओके ओके इकोनॉमिक्स इसके बाद ओके एज यू से विल स्टार्ट विद द इकोनॉमिक्स Uh, कल मैं uh, कल मोस्ट प्रॉब्ली मैं स्केड्यूल आपको दे दूंगा कि इकोनॉमिक्स का क्या स्केड्यूल होने वाला है नेक्स्ट वीक जो होगा वो इकोनॉमिक्स ही रहेगा ओके सो चैनल को सब्सक्राइब करें जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं और वीडियो में अगर क्वेश्चंस पसंद आ रहे हैं तो लाइक जरूर करें और आपकी बात मैंने सुन ली है इकोनॉमिक्स इज़ गोइंग टू बी द नेक्स्ट टॉपिक फॉर योर लेक्चर्स ओके सो गुड नाइट एवरी टेक केयर जय हिंद बाय बाय